यूपी के बिजनौर की बात करते हैं, जहां कई दिनों से घर से लापता युवती ने सुसाइड नोट छोड़कर पुलिस और परिवार वालों की नाक में दम कर दिया। गोताखोरों की तलाश के कई दिनों बाद महिला की नदी में सड़ी गली लाश मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 26/2/19 को बबीता गायब हो गई थी, सुसाइड नोट दी थी कि मैं जो है जा रही हूँ खो के पास, हमको खोजना मत, खो के पास मैं मिलूँगी। तो उनके पति जो पुष्पेंद्र हैं, उन्होंने जो है थाने में घुसमदुख की इसकी सूचना दी थी। पुलिस के द्वारा, उनके परिवारजनों के द्वारा जो है 3-4 दिन तक लगातार गोताखोरों की मदद से उसको खोजा गया, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं मिली। आज जो है सिंचाई विभाग के गेटमैन के द्वारा जो है जब गेट पर गया गया तो डेड बॉडी वहाँ मिली, उसने सूचना दिया तो शिनाख्त उसके बबीता के नाम से हुई। उसकी उम्र जो है लगभग जो है 36 साल की थी। और इनके पति तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी सर? उनके लिए केवल गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।